नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत हैं समाचार। भवनाथपुर से संवाददाता अयोध्या कुमार की रिपोर्ट। अरसली दक्षिणी के पंचायत भवन में मनाया गया पोषण दिवस। भवनाथपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अरसली दक्षिणी के पंचायत सचिवालय में बाल विकास परियोजना की ओर से बाल पोषण माह के तहत पोषण दिवस और प्रधानमंत्री पोषण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष सोना किशोर यादव ने कहा कि वर्तमान में कुपोषण हमारे समाज के लिए एक बड़ी गंभीर समस्या है। हम अगर अपने जीवन में थोड़ी मेहनत कर लें तो हम अपने घर के आगे पीछे खेतों में सब्जियों का उत्पादन कर अपने भोजन की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। वहीं घर में एक गाय रख लें तो गाय से दूध भी प्राप्त होगा और खेतों के लिए गोबर भी, जिससे हम जहरीली दवाओं के बिना प्रयोग की अच्छी और ताजी सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मनरेगा के तहत दीदी बाड़ी योजना के तहत भी सब्जियों की खेती के लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार सेवक शशि कुमार ने दाल, दूध से बने पदार्थ, हरी सब्जियां व मौसमी फल का सेवन करने, साथ ही आयरन की गोली के बारे में जानकारी दी। वहीं आंगनबाड़ी सेविका शिव कुमारी देवी, सुरती देवी, संगीता देवी, हाजरा बेगम, विमला देवी के द्वारा बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान स्थानीय पौष्टिक व्यंजन बनाने में प्रयुक्त सामग्रियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स ने विभिन्न प्रकार के स्थानीय उत्पादों के पौष्टिक व्यंजन तैयार करने से संबंधित महिलाओं को इसकी जानकारी दी। साथ में विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस कार्यक्रम में सुनील यादव, बद्री नारायण यादव, राजकुमार साहा, बैजनाथ सिंह, शोभा साहा, कामेश्वर सिंह, अनिल साहा, उदय सिंह, अंजन सिंह और सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। धन्यवाद। गरबा का विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतिष्ठान श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया है त्योहार धमाका ऑफर। जी हाँ, श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स से उधार लेना हुआ बहुत ही आसान। 0% ब्याज पर आसान ईएमआई सुविधा पर ले जाइए अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, पाए एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और आरो आकर्षक मूल्य पर, वो भी उधार। श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स मेन रोड गरबा, प्रोपराइटर हेमंत सोनी। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।